ममता बनर्जी और तुहाडी गलबात हो रही है कोई? असीं सिर्फ ते सिर्फ उन्हां दा बाइकाट करना है, उन्हां नूं काले झंडे दिखाउणे ने, उन्हां नूं मीटिंगां ते प्रोग्राम नहीं करदे ने। हुण सर किहड़े पॉइंट ते खड़े हो तुसीं? इह तिन्नों कानून रद्द होने चाहीदे ने। अकाली दल ने अस्तीफा दिता, अलायंस नाल वख होए, माफ कर देंगे जां उन्हां दी भूमिका दे उत्ते सवाल होने बंद हो जाएंगे? डॉक्टर दर्शनपाल, नहीं मैनूं इह लगदा वी देखो सवाल तां रहणगे। सुनेहा इह जा रिहा कि तुसीं कांग्रेस नूं बरी कीता होया। सरकार सुत्ती तां जरूर पई है। गोदी मीडिया शब्द रास आया जां नुकसान होया उसका? सानूं अपना प्रिंट ते इलैक्ट्रॉनिक मीडिया होर डेवलप करना चाहीदा। यूथ है कुछ होर चाहुंदा है, तुहाडे वर्गे लीडर कुछ होर चाहुंदे है। यूथ दे इक हिस्से नूं साडे नाल नाराजगी होगी लगती है। तुहाडा स्टैंड है अग्गे नालों सॉफ्ट होया। सानूं दिल्ली च वध जाना चाहीदा, सानूं संसद नूं घेर लेना चाहीदा। जस टीवी देख रहे हो तुसीं, मैं के पी सिंह, व्यू पॉइंट में तुहाडा सब दा स्वागत करदा। किसान संघर्ष ते केंद्र सरकार दे विचाले एक डेडलॉक बनया होया, तो उस डेडलॉक दे विचाले असी लगातार किसान आगुआ नाल गलबात करन दी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हां दा व्यू पॉइंट की है। अज साडे नाल बहुत ही खास मेहमान मौजूद होणगे। वह मेहमान मौजूद होणगे जो कोई प्रेस रिलीज आउंदी है जां सरकार नाल कोई वार्तालाप हुंदा, चिट्ठियां थल्ले उन्हां दा नाम लिखिया हुंदा। वो चिट्ठियां दे थल्ले नाम लिखिया हुंदा, वार्तालाप दे विचाले उन्हां दी भूमिका की है कि उह सारे सवाल होणगे जरूर, पर इह सब दे विचाले वो डॉक्टर भी ने पेशे तों, ते उस डॉक्टर नूं केंद्र नाल ये डेडलॉक होण दे विचाले नव समझ आई कि नहीं आई, ये सवाल भी उन्हां नूं होवेगा। साडे नाल होणगे डॉक्टर दर्शनपाल, तो उन्हां तों पुछांगे संघर्ष ते किन्ने बाकी ने सवाल। तो इस वक्त डॉक्टर दर्शनपाल साडे नाल जुड़ चुके ने, ते ओ एम डी ने, ते क्रांतिकारी किसान यूनियन दे प्रधान ने। इस तों इलावा संयुक्त किसान मोर्चा दे विच उन्हां दी बहुत वड्डी भूमिका, इस करके उन्हां नूं अज असीं सद्या। डॉक्टर दर्शनपाल सर, तुहाडा बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया जी बहुत बहुत। डॉक्टर दर्शनपाल, तुसीं एम डी कीती हुई है, सिविल सर्विस तुसीं नौकरी छड्डती सी, इस तों इलावा तुसीं सरकारी अदारे विच बहुत समां रहे हो। मैं जे सवाल सर उत्थों शुरू करां कि तुसीं डॉक्टर सर कहदे हो? मैं डॉक्टर साढ़े ब्रांच होंगी जी एनएससीसीआ। हाँ जी, एनएससीसीआ साड़ी ब्रांच होंगी है। यह मेनली तो ऑपरेशन के दौरान पेशेंट नूरी फिटनेस देखना, उसनू बेहोश करना, सुन करना, ऑपरेशन के दौरान उन्हों बिल्कुल फिट रखना, बीपी नू, पल्स नू, सह नू, इस तरह आईसीयू वगैरह के इंटेंसिव केयर यूनिट के ਸਾਡੇ ਐਨੈਸਥੈਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਊਗੇ, ਇੰਚਾਰਜ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਈਵਨ ਪੇਨ ਕਲੀਨਿਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਨਸਥੀਸੀਓਲੋਜਿਸਟ ਆਫਟਰ ਐਮ ਬੀ ਬੀ ਐਸ ਐਮ ਡੀ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਤਾ? ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗੇ। ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ, ਨਾਅਰੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਪਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਸੂਬੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਬਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੱਕ ਹੈ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ 255 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਮਹਾਂਸੰਘ ਦੇ ਬੈਨਰ ਨਾਲ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਚੰਦੂਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੈਦਰ ਦੇਣ ਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਮਹਾਂਸੰਘ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ, ਚਾਹੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ,
वो इस किस्म ना ले जाए कि किसी को हराना चाहते हैं पर किसी को जिताना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं। असी सिर्फ तो सिर्फ दिती है कॉल शुरू तो ही जब तो तीन कानून आए हैं मिनीम सपोर्ट प्राइस की सानू गरंटी नहीं की गई, वो असी शुरू तो ही पूरे देश के कॉल दी सी, चिट्ठिया भी भेजिया सी राष्ट्रपति नू प्रधानमंत्री नू सारे देश के भेजिया सी, और नाले कॉल दी सी कि असी बीजेपी ते अलाइड जिन्हिया भी पार्टियां ने उन्हां दा असी अपने अपने इलाकों के विरोध करना, उन्हां दा बाइकाट करना, उन्हां नू काले झंडे दिखाने ने, उन्हां नू मीटिंगां ते प्रोग्राम नहीं करन देने। दिस इज ऑन गोइंग प्रोग्राम, ये साडा जानी ये कह लो कि यह तो साडा प्रोग्राम ईवन कानून जदों बने ने उदों तो ही शुरू हो चुकिया सी ते सारे देश दे विच ऑलरेडी चल रहा सी। इहदा सिर्फ फार्म फार्म मीन क्योंकि बीजेपी बहुत एक्टिव रोल दे विच इलैक्शन दे विच जाऊगी पंजां सूबिआं दे विच। एक छोटा जिहा ब्रेक ले लैंदे डॉक्टर दर्शनपाल नाल, फिर असीं कोशिश करांगे कंटैक्ट करन दी। ते डॉक्टर दर्शनपाल तों सवाल यह भी होगा, सियासत दे तौर तरीकों के खिलाफ जिवें उन्होंने मुहिम वड्डी हुई है उस दे विचाले हरियाणा दे विच जिहड़ा बेपरोस की मता टेकिया उन्होंने उन्होंने टेक किया है, वापस आके यह सवाल होगा जरूर। एक बार फिर थोड़ा स्वागत करते हैं डॉक्टर दर्शनपाल साडे नाल मौजूद है कि डॉक्टर दर्शनपाल मैं सवाल जो कर रहा है उस सवाल की कंटिन्यूटी के मेरा सवाल यह है कि पांच सूबे में जो भाजपा को वोट ना पाने की अपील की है वो सर ऐं लगता पाया परसैप्शन यह बनी पई है कि हाफ हार्टडली फैसला लगता पाया, एक्शन प्लान की है सर थोड़ा? नहीं नहीं देखो हाफ हार्टडली तो लगे ना, अगर असी बाकी जो एक्शन प्लान ने फॉर एग्जाम्पल असी बॉर्डर के उत्ते बैठे हैं, असी लगातार 8 तरीक नूं हले इंटरनेशनल महिला दिवस बहुत वड्डे पैमाने ते ऑब्जर्व किया, अगले आने वाले मार्च के महीने के असी प्रोग्राम ऐलान कर चुके हैं। उन्हां प्रोग्रामां दे विच एक प्रोग्राम है कि बीजेपी नूं इलैक्शन दे दौरान जो पांच सूबे च हो रही ने बीजेपी नूं सबक सिखाया जाए, बीजेपी नूं हराया जाए, जदों बीजेपी नूं पनिश किया जाए सबक टीच बीजेपी ए लेसन असी ये कॉल दिंदे आ, तां इहदा मतलब यह है कि असी ऑलरेडी जिहड़ी कॉल दित्ती हुई सी कि बीजेपी दे MLA MP दूसरे जो भी इलैक्टेड इन्होंने मंत्री वगैरह ने उन्होंने पूरे देश दे विच देश दे लोक जिस किसान रीढ़ की हड्डी बन के अगे आउण उन्होंने मतलब कि एक तरह का सब कुछ सिखाउण जिहदे विच असी उन्हां दे बाइकाट दा सद्दा, उन्होंने कालियां झंडियां दिखाउण दा, उन्हां दा काले झंडियां नाल स्वागत करन दा, उन्होंने मीटिंगां ना करन देण दा। और थोड़े दिन पहला बेशक हरियाणे दे विच नहीं कामयाब होए, हरियाणे दे विच सरकार दे खिलाफ अविश्वास दा मता आया सी, नो कॉन्फिडेंस मोशन आया सी, असी एक चिट्ठी कढ़ी सारे MLAs नूं कि तुहानूं इस अविश्वास दे मते दी सपोर्ट करनी चाहीदी है, ते ओह बल्कि साडा बीजेपी क्योंकि बीजेपी एज ए पार्टी केंद्र सरकार च रूल कर रही है और बीजेपी इन्हां पॉलिसीज दे उत्ते सब तो ज़्यादा जोर नाल खड़ी है, बाकी पार्टियां ने जिहड़ियां ओह इनडायरेक्टली डायरेक्टली बेशक उहदे हक च ने कुछ जिहड़ियां उहदे नाल NDA च ने, पर साडा है कि बीजेपी ते अलाइड फोर्स दे उत्ते सानू अपना जिहड़ा प्रोटेस्ट करना जिहड़ा उहनां नूं मजबूर करना साडे लई बहुत जरूरी है। ठीक है डॉक्टर दर्शनपाल, जिवें गुरनाम चडूनी हरां ने पब्लिकली कहा भी है सरकार डिगनी है, सर तुसीं इस नाल सहमत हो? संयुक्त किसान मोर्चा सहमत है हरियाणा की सरकार जी, हरियाणा की सरकार पर असीं तुहानूं दस्सिया विश्वास जो मत आया थी उहदे विच सीधा लैटर कढ़ी संयुक्त किसान मोर्चे वल्लों जिहड़े लैके लैटर नूं लैके MLA दे कोल साडे कैडर गए, उहनां जिहड़े नहीं मिले उहनां दे घरां तों चुका के आ गए, उहनां दे घरां च फड़ा के आए ने। साडा इह सी देखो साडे लई अकाली दल ने NDA तों सपोर्ट वापस लई पॉजिटिव गल सी, बीजेपी दे कुछ JJP दे लोक बीजेपी तों वापस हुंदे ने चंगी गल है, JJP करके इंडिपेंडेंट MLAs करके सरकार डिगदी है साडी एक तरह की मूवमेंट नूं बल मिलदा इहदे नाल। सिमिलरली कल नूं वैस्ट बंगाल ते दूजे सूबिआं दे विच BJP हारदी है, इह साडे अंदोलन दी एक तरह की यह कह लो कि साडे अंदोलन नूं इखलाकी तौर ते एक ताकत मिलदी है जिहदे नाल BJP नूं अल्टीमेटली साडे इस अंदोलन दे लई साडियां मंगां दे मन्नण लई एक प्रैशराइज करन दा टैक्टिक है साडा।
ठीक ठीक है डॉक्टर दर्शन पाल, अकाली दल जिक्र कर लिया, मेरा सवाल भी अकाली दल हुण जुड़िया होया। अकाली दल ने जो ऑर्डिनेंस वेले भूमिका निभाई, उस तो बाद जो तो बिल तो कानून के रूप में जाते उदों कि भूमिका निभाई, अकाली दल ने अस्तीफा दिता, अलायंस नालों वक् होए, कि तुम लगता कि जनता दे विच इह सुनेहा चला गया कि अकाली दल ने बहुत अच्छा काम किया डॉक्टर दर्शन पाल की नज़र, अकाली दल नूं लोक माफ कर देणगे जां उन्हां दी भूमिका दे उत्ते सवाल खड़े कर हुणे बंद हो जाणगे डॉक्टर दर्शन पाल? नहीं, मैनू यह लगता भी देखो सवाल तो रहेंगे, लेकिन जदों मूविंग सुसायटी है, मूव कर रही है, खड़ी नहीं है, व्यक्ति ने जिहड़े उह स्टैंड लैंदे ने ते बहुत वारी वह अपने अंदरों सोच के भी बहुत वारी हालत उन्होंने मजबूर कर दिया ने उन्हां दी सोच नूं बदल लई, उन्हां दे कर्म नूं बदल लई, उन्हां दे एक्ट नूं बदल लई। मैं समझदा कि पंजाब दे अंदर जिहड़ा तवाजन बदलिया है फोर्सिस दा, उहदे विच किसान अंदोलन ने एक अहम भूमिका निभाई है, ते किसान अंदोलन ने डिटरमिनिंग रोल अदा किया जिहदे विच यानी अज देखो बीजेपी दे जिहड़े नुमाइंदे ने वह बिल्कुल निस्सल होए हुए ने पंजाब वाले, जिथे बहुत सानू चैलेंज करदे सी। इसे तरह अकाली दल दे बारे भी अगर सोचिए कि अकाली दल ने भी शुरू शुरू दे विच इस किस्म दी केंद्र सरकार च भी उन्होंने हरसिमरत कौर वर्गिया ने उदों कोई बहुता रौला नहीं पाया इस गल ते, लेकिन जदों अंदोलन ने इन्हां चीज़ां नूं जचाया, अंदोलन दा कल्ला प्रैशर नहीं है, अंदोलन जदों चलदा उह चीज़ां नूं उह चीज़ उह मुद्दिआं नूं फोकस करदा ते उह फोकस होए हुए मुद्दिआं दे उत्ते व्यक्ति ने जिहड़े ते फोर्सिस ने जिहड़ियां उह सोचदीआं ने, उह सोचण तों बाद उह सोचदे ने भी जे इह रौला पा रहे ने किते असीं तां नहीं गलत। उहदे विचों अकाली दल जां उहनां दे नाल जिहड़े जुड़े हुए लोक ने उहनां नूं स्टैंड लैणा पिआ। मैं फिर कहिंदा कि जदों इस किस्म दे स्टैंड कोई व्यक्ति जां ताकतां लैंदीआं ने उहदे नाल इक तरह दी इखलाकी जित हुंदी आ अंदोलन दी, और अंदोलन उस जित दे सहारे ते अगले पड़ाव वल वधदा। जो असीं अगे वधे ते पंजाब दीआं तकरीबन तकरीबन आलमोस्ट ऑल द पोलिटिकल फोर्स ने जिहड़ियां उहनां नूं किसान जथेबंदियां ने अपने हथ च करन लई मजबूर कीता। डॉक्टर साहब, एक सुनेहा यह जा रहा कि तुसीं कांग्रेस नूं बरी कीता होया, क्योंकि कांग्रेस ने भी किसानां नाल वादे कीते सी जदों पंजाब दे विच चोणां सीगियां, 90,000 करोड़ कर्ज़ माफ़ी का वादा किया गया सी, ओ, फिर 10,000 करोड़ ते आ गया, फिर सुंगड़ के तकरीबन 7,000 करोड़ के नेड़े खड़ा, जे 1,700 करोड़ असी इस बजट का गिन लीए तो 4,600 करोड़ पिछला गिन लिए, असी सारा कुछ गिन लिए, तो सर इवें मैसेज यह जा रहा है कि कांग्रेस नूं तुसीं कुछ नहीं कह पा रहे, इहदा मतलब की समझिए? नहीं देखो, एक एक गल तुसीं मैं बड़ी क्लीयर करनी चाहुंदा, मैं कॉल भी दित्ती आ बहुत वारी कि इस वेले किसान अंदोलन ते उसके मुद्दे ते उहदियां लड़ रहीआं जथेबंदियां, उहनां दी इह मंग है, जोरदार मंग है कि जिहड़ा भी पोलीटिकल एसटैबलिशमेंट है इस देश का, वह पोलीटिकल एसटैबलिशमेंट अज किसानां दे अंदोलन ते उहदे मुद्दिआं बारे फोकस करे। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੋਰਸਿਸ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਕਾਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟੂ ਮੋਬਲਾਈ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਲਕਿ ਪੈਰਲਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਣ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ, ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੇਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਟੈਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਦੇਖੋ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਾ, ਪਾਵਰ ਬਿੱਲ 2020 ਦਾ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ 2 ਫਰੰਟ ਖੋਲ ਲਈਏ, 2 ਫਰੰਟ ਅਸੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੀਜਨਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੋਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਅਕਲਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਰੁਸਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਫਰੰਟ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓਗੇ,
सूबा सरकार को घेरन लगोगे डॉक्टर दर्शनपाल? हाँ हाँ मैं ये लगता भी देखो ये मसला जरा मसला साडा आ रही आवाज जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल आ रही है जी। ये जरा साडा मसला है ये मसला मैं लगता मेरा फ्रेम शर्टिंग हो गया। ये मसला साडा ये बड़ा क्लीयर है कि असी केंद्र सरकार से सूबा सरकार जो मुद्दे ने यह सानू बचावने ही पैंदे ने। सानू अगर केंद्र सरकार के वालों कोई मुक्ति मिलती है चीजा की जां केंद्र फिर असी अपने तौर पर पंजाब सरकार जुड़े हुए मसले ने जिहड़े भी उन्होंने मनाने वास्ते पंजाब सरकार को भी मजबूर करने वास्ते कोल लगांगे। उहदे तो बगैर बहुत मसले ने चाहे गन्ने के रेट की गल है चाहे मंडिया के कुछ गल सुधारण की गल है चाहे होर कोई मसले ने उहदे विच मैनू लगता कि सानू केंद्र सरकार के नाल नाल सूबा सरकार नाल किसानों के बुनियादी मसले जो लड़ने वास्ते हमेशा तैयार रहना चाहिए। सुसाइड विक्टिम्स फैमिलीज है उनके लिए वार बार ये दावे किए जा रहे थे कि 3 लाख तो वधा के 5 लाख करांगे पर बजट में तो सर कोई गल ही नहीं की जा रही। हाँ देखो मैं ये लगता कि असल च ये जो बजट च नहीं किया अपन कंडेम ही करना चाहिए करते हैं। सुसाइड फैमिलीज नहीं करजे माफी के बहुत सारे वादे किए थे पंजाब सरकार के नाल जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे ने अपने वो असी कहना चाहते हैं केंद्र सरकार पंजाब सरकार को सुनेहा देना चाहते हैं थोड़े चैनल राही कि असी जिमें ही केंद्र सरकार के नाल अपने मुद्दों को सुलझा के आवेंगे असी पंजाब के सारे मुद्दे ने जिहड़े ने साडी ताकत भी बहुत जे असी जित गए तो साडी ताकत ते साडी जिहड़ी शक्ति है इकट्ठी होके ये भी वध गई होगी असी जरूर ही फिर अपने इन मसलों के उत्ते संघर्ष चाहे वह सुइसाइड फैमिलीज के ने चाहे वह कर्ज माफी के ने चाहे वह बाकी जोड़े होर सुधार के मसले ने वो अभी पंजाब सरकार के नाल अपने संघर्ष के मुद्दे को बना के लड़ाई करांगे। चलो एक होर छोटा ब्रेक ले लवां डॉक्टर साहब वापस आ रहा थोड़े को मोदी सरकार या केंद्र सरकार कह लो तुसी वो किसानों की गलबात कितनी सुनती पई है हुण तिकर किसानों नूं इस संघर्ष के हासिल की होया तो किसानों का अगला प्लान की हैगा वो डॉक्टर दर्शनपाल तो समझने की कोशिश करांगे क्योंकि सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार के नाल 22 जनवरी तो बाद कोई गलबात नहीं हुई तो इस गलबात तोड़िया किमें जा सकता है इस गलबात अगे किमें वधाया जा सकता जो डेड लोग उन्हें तोड़न की असं गल कर रहे हैं वो किमें किया जा सारा प्लान है की है वापस आ रहे हैं। एक बार फिर थोड़ा स्वागत करते हैं डॉक्टर दर्शनपाल। सर सवाल बड़ा साधारण है बड़ा सीधा सवाल है ये केंद्र की सरकार तुहाडे पीसफुल स्ट्रगल नूं फिलहाल कुछ नहीं समझ रही मैं बड़े सीधे शब्दों में कह रहा डॉक्टर दर्शनपाल जिन्ना चिर तुसी मर्जी बैठे रहो क्योंकि उत्थों इशारे यहोजे मिलते पे इन्हां नूं बैठे रहन दो। डॉक्टर दर्शनपाल इस दे विचाले जिहड़े तुहाडे प्लान आ तुसी 26 नूं भारत बंद दा सद्दा दित्ता इस तों इलावा होर सारे तुहाडे प्लान आ शहीद भगत सिंह दे उस दिहाड़े ते ये सब कुछ तुसी ऐलान कर चुके उसके बावजूद केंद्र सरकार टस तो मस नहीं हो रही। देखो मैनू लगता ना तो यह सवाल सीधा ना ही सुधारण है ये काफी इंपोर्टेंट सवाल है तुहाडा नंबर एक जी। नंबर टू यह कहना कि असी शांतमई अंदोलन च बैठे केंद्र सरकार बिल्कुल तुहाडी परवाह नहीं करती इहदे नाल मैं सहमत नहीं हाँ। असी जदों पंजाब तो चले सी सानू यह सी कि असी पंजाब नहीं हरियाणा के बार्डर पंजाब हरियाणा के बार्डर से धरने लावांगे नंबर एक। नंबर दो किसान अंदोलन है जिहड़ा इस किसान अंदोलन ने ते अंदोलन के वख-वख रूपां ने अंदोलन के फलाह ने अंदोलन की लोकप्रियता ने अंदोलन मिली सपोर्ट ने केंद्र सरकार की नींद हराम की हुई है और मैं दावे नाल कहूँगा कि अजे भी केंद्र सरकार की नींद पूरी तरह हराम की हुई है। नहीं तो मोदी साहब की 6.5 साल के करीब टन्योर के अंदर मैनू नहीं लगता भी इन्होंने कदे कोई फीसले फैसले से मुड़ के अगर लोगों ने कहा हो मुड़ के झात मारी हो क्या हो असी कंसिडर कर ली तैयार है जो इन्होंने पहली बार कहा भी कानूनों के कुछ संशोधन कर ली तैयार है एम एस पी से गल कर ली तैयार है ये जो अंदोलन का रूप असी वक्त किए ने इन्हें अंदोलन के अंदर जिथे देश व्यापी जथेबंदियों इकट्ठा किया उत्थे देश व्यापी किसानों के एकता के देश के लोगों के इकट्ठ बनया अंदोलन लगातार फैल रहा वक् वक् रूपों के अंदर वक् वक् थावां के अंदर वड्डिया वड्डिया पंचायतों वड्डिया वड्डिया कानफ्रेंसा वड्डे वड्डे इकट्ठ हो रहे हैं लगातार लोग इत्थे बैठे ने और मैं हुणे एक मीटिंग तो आ रहा उत्थे किसानों ने बड़ा क्लीयरली कहा
कि बेशक कणक की वाढ़ी का सीजन आ रहा डॉक्टर साहब, असी इतने जिहड़ा इकट्ठ है बिल्कुल नहीं घटूगा। पिंडां दे विच तय हो गया कि पिंडां दे विच लोग भाईचारे दे नाल वढ़ाई भी करनगे, कणकां वेचणगे भी। ये जिहड़ी लगातारता है अंदोलन की, ये जिहड़ी शांतिपूर्ण अंदोलन चल रहा जिहड़ा, उहदी लगातारता ते लगातारता उहदा एक्सपैंड होना, लगातारता उहदी पॉपुलैरिटी वधणी, ये अपने आप च एक अंदोलन की ताकत भी है, अंदोलन का प्रैशर भी है। ये अंदोलन क्योंकि हर चीज का एक पॉइंट होंगे जिथे जाके कोई चीज टुटती है, मेल्टिंग पॉइंट होंगे, बॉयलिंग पॉइंट होंगे, वो अलग अलग पॉइंट होंगे ने। अंदोलन का भी एक पॉइंट होंगे जो असल च दूजी धिर है जी डिगदी है, दूजी धिर कुछ चीजा मरदी है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, टीका लाउन लगे भी तुसी पॉइंट लभदे हो कोई सर? हुण सर किहड़े पॉइंट ते खड़े हो तुसी? नहीं, मैनू लगता कि असी उस पॉइंट ते खड़े हैं जिथे अंदोलन ने जिहड़ा मैं पहला दस्या कि सिरदर्दी कर रखी है केंद्र सरकार की, उत्थे लोगों वालों मिल रही सपोर्ट, इंटरनेशनल भाईचारे वालों मिल रही सपोर्ट, इन्हें केंद्र सरकार नूं मैं कह रहा कि उस किस्म का प्रैशर बनया होया कि इहनू सानूं एवें ही लगातार, बहुत सारे लोग कहिंदे ने तुसीं भी सवाल पुछ सकदे हो कि शांतमई तरीके नाल बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। कुछ लोग कहणगे नहीं जी सानूं दिल्ली च वड़ जाना चाहिए, सानूं संसद नूं घेर लेना चाहिए। मैनू लगता जे साडी एक सियासी लड़ाई होवे, असी केंद्र सरकार नूं देखना होवे, फिर असी उहो जिहे सोचांगे। जदों असी कानून तिन रद्द कराउणे आ, जदों असी खले सिर्फ ते सिर्फ एम एस पी की गल कर रहे हैं, सानूं इस अंदोलन की यह शक्ल नूं लगातार अगे जारी रखना चाहिए, वधाउणा चाहिए, एक्सपैंड करना चाहिए, और एकजुटता जिहड़ी इहदे च लैके आउणी चाहिए है। एवें सानूं इहदे च कोई इस किस्म की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि अंदोलन जिवें 26 तरीक नूं साडे कुछ अंदोलन दे विच समस्यावां आ गईआं सी, डॉक्टर साहब एक एक सवाल, वैसे तुम उन्होंने क्लैरीफाई भी बहुत बार कर चुके हो, जी एक अंग्रेजी अखबार के बयान लग्या सीगा। डॉक्टर पाल, सीधा सवाल यही है, तुहाडा स्टैंड है अगे नालों सॉफ्ट होया जां स्टैंड उत्थे ही खड़ा कि लॉ है जिहड़े रिपील होने चाहिए है, इस तों अलावा होर कुछ मंजूर ने? नहीं, पहला तो देखो मैं एक पहले सेंटेंस ये कह दा कि दर्शन पाल क्रांतिकारी किसान यूनियन का प्रधान, संयुक्त किसान मोर्चे का आगू, नौ मैंबर चो एक, इस गल से स्टैंड करता कि लॉ रिपील होने चाहिए, नंबर एक। नंबर टू, अंग्रेजी के उस अखबार जो न्यूज लगी है वो हैडिंग भी वो कंटेंट भी आउट ऑफ द कंटेक्सट पेश किया गया। जदों यह गल हो रही है कि 100 दिन के एक्सपीरियंस के महसूस करते हो, उस समय इन चीज़ों मेरे वालों इस किस्म पेश करना कि एम एस पी के मुद्दे से, खास करके कि एम एस पी के मसले से सानू होर डिटेल च तैयारी करनी चाहिए है, होर डिटेल चे मतलब कि वो जाना चाहिए। यद मतलब यह नहीं कि एम एस पी लैन की जी सा बुनियादी डिमांड है, वह बुनियादी डिमांड की वाजबीयत वाजबीयत होर प्रॉपरली रखने लिए, होर डूंगाई से होर विशालता उसू जचाने लिए साढ़े लीडर के कोल सारा कुछ होना चाहिए, जो मैं लगता कि अंदोलन के शुरू में सानू बहुत ही उन्होंने क्लैरिटी नहीं थी। सिमिलरली तीन कानूनों यह कह कि तीन कानून इस करके रद्द होने चाहिए ने, वो 100 दिन का एक्सपीरियंस मैं ये कह रहा है कि तीन कानूनों के भी पॉइंट पॉइंट से साढ़े को सारा कुछ होना चाहिए था, जो शुरू च नहीं थी। वी गॉट इट, वी लर्न इट, एंड अज असीं उहनूं बड़े ताही असीं इन्ने जोर नाल कह सकते हैं कि तीनों कानून रद्द होने चाहिए ने। डॉक्टर साहब, तुहाडे मीटिंग दे विच डेमोक्रेसी दे तौर पर सारा कुछ डिस्कस भी हुंदा है, जदों तुहाडा बयान छपिया बैठक दे विच डिस्कस होया भी डॉक्टर साहब ये तुसीं इहो जिहा बयान क्यों दित्ता? हाँ, तकरीबन काफ़ी लोगों ने सवाल उठाया। कल की मीटिंग च होना सीगा, नहीं उस तरीके नाल होया, लेकिन यह गल नूं चर्चा काफ़ी हुई, बहुत सारा मीडिया ने भी तुहाडे वांगे मेरे तो पुछया, मीडिया के बहुत क्लैरिफिकेशन दिती मैं, लेकिन यह गल सही है कि वह बयान नूं आउट ऑफ कंटैक्सट किसी अखबार की पत्रकार ने उन्हूं उस किस्म का एक हैडिंग बना के दिता। अच्छा, मेरा सवाल एक होर है कि तुहानूं लगता कि राकेश टकैत ते मीडिया का ज्यादा फोकस हो गया? देखो 28 तरीक नूं जिवें घटनाक्रम घटिया गाजीपुर के अंदर, तो 28 तरीक का घटनाक्रम मैं दसना चाहुंदा कि 28 तरीक नूं कोई 3 बजे साडा पलवल वाला जिहड़ा बैरियर सी उहदे तो ना सॉरी पलवल वाला जिहड़ा धरना सी उह चुका दित्ता गया। एक उस तों बाद गाजीपुर ट्राई करन लगे, गाजीपुर जिमें उत्थे घटनाक्रम घटिया जिमें ईवेंट्स चलिया, उस ईवेंट्स के राकेश टकैत जी ने एक जगह मिलनी चाहिए सी, मिली भी जिदे अंदोलन के नाल
बहुत सारे वो लोग जिहड़े उन्हां दे नाल समाजिक तौर पर उन्हां दी जथेबंदी तौर पर जुड़े हुए थे उन्होंने पोर इन करना शुरू करता गाजीपुर से। 28 तरीक तक होर भी बहुत सारिया असल चीजा वापर चुकिया थी। 28 तरीक शाम नूं सिंगू ते गाजी सिंगू ते अपने टिकरी बॉर्डर से किसान जथेबंदियां ने हरियाणा ते पंजाब दियां ने रल के दो तीन मुजहरे भी कर चुके थे। सो 28 तरीक की वह घटना तो ऐ लगता लगन लग्या कि एक रिटर्न बैक है जिहड़ा मूवमेंट दे विच मतलब कि वह हो रही है उहदे चों टकैत साहब की जिहड़ी उस किस्म की प्रोजैक्शन है वो होनी शुरू हुई तो हो रही है। ये गल च कोई मतलब के अतकथनी नहीं, इहनू कोई ऐ नहीं कह सकता, यह हो रही है ते लोकां वल्लों उन्हां नूं रिस्पोंस भी जिथे जांदे ने इस किस्म का मिल रहा। लेकिन साडी जिहड़ी उहो है मतलब के मोर्चा है जो संयुक्त किसान मोर्चा उहदे विच असीं हमेशा ही ध्यान रखते हैं सारे कि साडियां जथेबंदियां दियां पंजाब दियां संयुक्त किसान मोर्चे दियां 100 दे करीब जथेबंदियां असी कोई भी व्यक्ति चाहे टकैत साहब ने चाहे वह दर्शन पाल है चाहे कोई इस किस्म की जो कोई स्टेटमेंट है इस किस्म का जो कोई उन्होंने वालों आता है उसका नोटिस लिया जाता नोट कराया जाता तो उसे चर्चा होती है। टकैत साहब ने भी एक दो बार इस किस्म की स्टेटमेंट कई बार देंगे ने हमेशा नोट कराया जाता तो अज टकैत साहब उस पोजिशन ने जिथे संयुक्त किसान मोर्चे की लीडरशिप मानते हैं साढ़े इस मंच में सिंगू बॉर्डर के मंच की जिहड़ी अथॉरिटी है उसनू मानते हैं साढ़े जिहड़े संयुक्त किसान मोर्चे की लीडरशिप है जिहड़ा मैं दसना चाहुंदा कि जिद्दन असीं दिल्ली आए हाँ उस दिन नहीं सी दिल्ली असीं सवेरे मीटिंग की सरकार नाल शाम नूं टकैत साहब की जथेबंदी नूं सरकार ने बुलाया असीं अगले दिन ही उन्हां नाल तालमेल किया तो असीं लगातार उन्हां नाल मीटिंगां च रहे तो अज यह परिस्थिति है कि सरकार बहुत बुरी तरह टकैत साहब प्रति भी तो साढ़े प्रति भी बहुत सरकार नूं लगता कि एड्डी ताकत बन के जथेबंदियां उभर रही ने ते ओ जो सरकार एक मीटिंग दे विच कह भी दिता सरकार ने टकैत साहब प्रति खेती मंत्री ने जिवें ओह सॉफ्ट हुंदा है ना कानूनां प्रति लेकिन उन्हां दी पोजीशन लगातार लगातार कानूनां दे बारे एकदम संयुक्त किसान मोर्चे की पोजीशन दे नाल बनी हुई है ते अज भी ओह लगातार इस अंदोलन दे विच ओवें ही खड़े ने। डॉक्टर साहब तुहानूं गोदी मीडिया शब्द रास आया जा नुकसान होया उसका? देखो गोदी मीडिया शब्द दे नाल साडे कुछ नौजवानों के अंदर ना एक अजीब किस्म की हेटर मैसेज जी बनी एक कंसैप्ट दे तौर पे डिवेलप हो गई जिवें साडे उहदे अंदर कह लो अंदोलन के अंदर कुछ साडे नौजवानों ने फिर गोदी मीडिया के संकल्प नूं शब्द नूं लैके उहदे ते कुछ चैनलों के नाल रुखा बिहेव भी किया जिहड़ा मैनू एक आगू के तौर पर लगता सानू यह नहीं करना चाहिए। सानू अपना जिहड़ा विरोध है जां सानू अपना प्रोटेस्ट है जिहड़ा वह एक वधिया तरीके नाल करना चाहिए वह शब्दों के कोई इस किस्म के शब्द वरतन नाल नहीं हुंदा लेकिन वह एक कहदा साढ़े जिहड़े दूसरे चैनल वाले ने दूसरा मीडिया जो साढ़े लिए वधिया अप्रोच नाल चलदा है उन्हां दे राही जां जिहड़ा मीडिया साढ़े प्रति साढ़े किसान अंदोलन प्रति चुप है जां सरकार दियां ही जां साढ़े विरोधियों दियां ही जो स्टोरीज ने उन्हां नूं नशर करदा सानूं लगदा वी सानूं उहदे पैरलल अपना सोशल मीडिया सानूं अपना प्रिंट ते इलैक्ट्रॉनिक मीडिया उह डिवेलप करना चाहीदा उहनां नाल उस किस्म दे कलैश नहीं जाणा चाहीदा जिहड़ा साढ़े वल्लों कई वारी होया उहदे विच सानूं लगदा वी अल्टीमेटली साढ़े बहुत सारे जिहड़े पत्रकार जिहड़े भरा ने जिहड़े उस पॉलिसी का हिस्सा नहीं होंदे वर्कर होंदे ने उन्होंने असी नाराज कर लेंगे। एक डॉक्टर साहब एक सवाल यह भी है कि स्ट्रगल नूं तुसी मजबूत करना है संघर्ष नूं मजबूत करना उन्हें किसी बन्ने लैके जाना है तुसी वख-वख प्रोग्राम भी दिने पे हो बहुत संघर्ष के विचाले उह लगता पे क्लैरिफिकेशन देने दे तुसी ज़्यादा वक्त बिता रहे हो जे 9 मैंबरी वाला एक कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी होंगी उस तो बाद तुहानूं सफाइयां देनियां पै रहियां। डॉक्टर साहब तुसी आपदे आगुआं नूं इह कहिंदे हो कि तुसी भाई कल्ले कल्ले जाके बयान ना दिया करो जो सांझा फैसला हुंदा उही जाके दस्सिया करो? नहीं नहीं देखो बयान असल च प्रेस का यह एक प्रेस की भी आजादी है जिहड़े लीडर ने उन्हां दी भी एक विजडम हुंदी है ये गल सही है कि असल च विजडम जिहड़ी है कलैक्टिव विजडम होवे कलैक्टिव विजडम है जिहड़ी उहदे 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 फ्रेमवर्क च लीडर है जिहड़े अपने आप नूं एक्सप्रेस करन एक गल है। दूसरी गल यह है भी यह असल च अंदोलन का जिहड़ा
अंदोलन की जिहड़ी शुरुआत है ये इन्ने डाइवर्स शख्सियतां ते जथेबंदियां नाल शुरू हुई है कि इहदे विच ओह डाइवर्सिटी है जिहड़ी ओह बहुत वारी साडे अंदर एक जुटता पैदा करन दे विच रुकावटां बनदी रही है, अज भी बन रही है। बहुत सारे मसलियां दे उत्ते जिहड़ी साडे जिहड़े इंडिविजुअल लीडर है सी उन्होंने वक् तो आने करके वक् तजर्बे ने किसान लीडरशिप के बहुत सारे भैड़े तजर्बे ने पुराने बहुत ही रुखे तजर्बे ने उदे करके लोग भी कई बार आम तौर पर किसान लीडर के बारे बहुत सारे अविश्वास नज़र न देखते हैं। बहुत सारी लीडर का भी आपस च इस किसी का माहौल बनया रहा। सो ये बड़ी मैं अंदरली गल तो कर रहा कि सानू असल च एक समा लग्या। देखो असी 6-7 महीने के स्ट्रगल के लंघ के एक यूनिटी प्राप्त की है लगातार कि डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग के नाल असी चीज़ों के उत्ते घट्टो घट एकता बनाने च कामयाब होए हैं। यह गल सही है, बहुत सारे जथेबंधक से बहुत सारे साडे प्रोग्रामैटिक जिहड़े इशूज ने उन्हां दे उत्ते एकता करन लई सानू होर कह लो भी समा लग सकता है, होर असी मतलब कि साडे अंदर तजर्बे होने चाहिए ने, होर सानू सियाणप होनी चाहिए है, होर सानू विशालता होनी चाहिए है, ते होर सानू असल चीज़ां नू सहन शक्ति भी साडे साथियां साडे आगुआं च होनी चाहिए। डॉक्टर साहब एक तो तुसी मैनूं इह सर इस वाल जवाब दे सकदे हो कि तुहाडे अंदोलन नू इस तरीके नाल पेश किया जा रहा है कि यूथ है जिहड़ा तुहाडे तों दुखी है, यूथ है कुछ होर चाहुंदा है, तुहाडे वर्गे लीडर कुछ होर चाहुंदे है, सर इहनां दी कोई क्लैरिफिकेशन हैगी तुहाडे कोले? नहीं देखो एक तो मैनूं लगदा कि यूथ जिहड़ा किसानी परिवारां दा यूथ है वह यूथ कोई थोड़ी गिनती च नहीं है, बहुत वड्डे पद्धर ते यूथ है जिहड़ा किसान अंदोलन दे नाल। एक दूजी गल यह है भी एक धारा जी 26 जनवरी में एक समस्या आई साढ़े अंदोलन के अंदर वो अंदर यूथ के एक हिस्से साढ़े नाराजगी होगी लगती है। वो भी अगे दो पक्ष ने, एक पक्ष वह है जोड़ा पक्ष असल साढ़े अंदोलन किसान अंदोलन किसी होर अंदोलन या किसी होर रूप से लैके जाना चाहता सी, एक पक्ष वो है जोड़ा किसान अंदोलन का हिस्सा बन के ही उसके वक्ो वक् संघर्ष के रूपों के बारे उन्होंने वक्रे में थी। मैं लगता जो दूजा पक्ष है उस पक्ष न किसान अंदोलन से वह पक्ष आप भी लगातार एक आपस कह लो कि अपनी इक्वेशन एक बैलेंसड इक्वेशन के करने वास्ते लग्या होया। और मैं ये विश्वास न कहना कि छेती ही वह नौजवान जेडे इस करके किसान अंदोलन के क्रिटिक ने सिर्फ फॉर्म ऑफ एक्शन के क्रिटिक्स ने उन्होंने किसान अंदोलन के मुद्दों के वधेरे हितों सामने रखते हुए किसान अंदोलन की लीडरशिप भी किसान अंदोलन के वधेरे हितों सामने रख के एक संवाद रचा के गलबात करके उन्होंने अंदर जिहड़ी भी इस किस्म की कोई गुस्सा गिला है उन्होंने हैंडल करके जो भी त्रेड है उन्होंने भरना चाहिए। उन्होंने भी चाहिए कि किसान अंदोलन च लगे हुए जिहड़ी लीडरशिप है वो लीडरशिप ने घालना कर लिया इस पूरे डिवेलप करने लिए उन्होंने जे कोई लगता भी उन्होंने अंदोलन के कोई रूपों बारे या अंदोलन पिछले रहे घाटा बारे उन्होंने लगता उन्होंने भी इस अपने बजुर्ग कमांडर ने जोड़े बजुर्ग जोड़े लीडर्स ने जो उन्होंने अदखड़ भी ने बहुत नौजवान भी ने पंजाब की एक बहुत वीडी जी कह लो कि जनता घर घर के अंदोलन गया हुआ उस पूरे पंजाबियों की आम शान सिखा की आम शान पगड़ी की आम शान जो उस अंदोलन च बनी है तो अंदोलन अगे वधा के जो होर बननी है इस कैरी करना इस मेनटेन करना इस अगे होर वधाउणा साडी सारे ही पंजाबियों की जरूरत बल्कि एक जिम्मेवारी बनती है कि उस असी दुनिया के उच्चा चक के रखिए। 26 जनवरी तुम भुल के दरवाजे खोल रहे हो यदा मतलब ये समझा? हाँ बिल्कुल, असी चाहते हैं कि इस जिते भी कोई घाटा रही ने जिथे भी कोई सीमताइया रही ने जिथे भी कमियां कमजोरियां रही ने उन्हें पिन पॉइंट करते हुए महसूस करते हुए असी वड्डे जिवें पहला तुहानू कहा कि पंजाब दे इस अंदोलन ने साडे पंजाबियों नू किसानां नू सिखां नू एक इहदी मतलब शख्सियत सी जो इस अंदोलन ने उपर पहुंचाया सी उहनू एक ठेस लगी है उहदी मुड़ बहाली लई उस नू होर उपर लैके जाण लई साडे सारिआं नू इह पहुंच दे नाल अगे आउणा चाहीदा है। यही असल च अज दे अंदोलन दी भी सब तो एक अहम जरूरत भी है। एक आखिरी सवाल डॉक्टर दर्शनपाल, इस बैठकों के विचाले तुसी बहुत वड्डी कड़ी का काम करते हो जो सरकार नाल मुलाकातां हुंदियां तुहाडे नाल सारा राबता हुंदा, कोई इशारा मिलिया कोई हिंट मिलिया सर
कि इन चोणों तो पहला सरकार तो बैठक कर जा रही है? जे तुसी सर पहला मैनू अंदरली गल दसी है, अज एक गल होर अंदरली दस दो। नहीं, मैनू लगता हाले तक कोई इस किस्म की संभावना नहीं लगती, कोई जनवरी तो बाद कोई इस किस्म का कोई फीलर, कोई स्नेहा, कोई हिंट मेरे मेरी उस नहीं है। जे हुंदा कोई तो मेरी जानकारी जरूर हो जाता, अजे तक कोई नहीं है। कोई संभावना इन इलेक्शंस तो पहला गलबात होने की, जो संभावना लगती है कि इलेक्शंस के रिजल्ट होने तो बाद गलबात शुरू होगी? देखो ये असी जिन्ना पता किया भी कोड ऑफ कंडक्ट तो नहीं है कहता कि इलेक्शन तक वेट ही करना चाहिए। यह असल च मैनू लगता भी केंद्र सरकार दियां अपनियां अंदरलियां शख्सियतां दियां रणनीतियां की ने, साडे अंदोलन की लगातारता, साडे अंदोलन का लगातार जिवें हुण 25 का बंद है 26 का, उहदे तों बाद जो भी असीं करांगे उहदा प्रैशर किन्ना बणदा है, सेंटर गवर्नमेंट किन्ना उसनूं कंसिडर करदी है, उह ते निर्भर करेगा। बट अगर सरकार ने बहाना लाना हो तो इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट अपने इलेक्शन कमीशन को कहा भी चाहिए है, पर जिन्ना कि असी लीगल एक्सपर्ट तो ईवन पुराने कुछ इलेक्शन कमीशन के लोगों तो भी पता करने की कोशिश की है, उहदे च नहीं सानू लगता कि कोई इस किस्म का सरकार रुक सकती है। पर जो इलेक्शन हो सरकार का इलेक्शन कमीशन हो कोई होर हो तो कोई ना कोई बहाना सरकार ला सकती है, ये पर सानू कोई इस किस्म का हाले इंडिकेशन नहीं है कि गलबात चल। अच्छा, संघर्ष सर जित के मुड़ोंगे? नैचुरली मैं पिछले दिन ही पंजाब जाके आया, तुसी ये देखो कि मैं एक परिवार के घरे गया, बुजुर्ग और तुसी, दो बच्चे सी, एक मैडम सी उधर मेरे दोस्त की वाइफ, यानी हर फैमिली जिते भी गया वो गड़ुच हुई पई है इस अंदोलन के, यानी यह पंजाबी लोगों का हरियाणे के लोगों का अंदोलन इतों तक बन चुका है कि उन्होंने किसान मतलब जो कोई गल नहीं वापरती है, बल्कि बच्चे भी रोन लग जाते टीवी से देख के जो कोई गल घटना है जी वापरती है। सो ये फीलिंग जिस अंदोलन के लोगों जुड़िया हो उस अंदोलन में लड़ रहे जो लोग ने उन्होंने अपने इष्ट प्रति जी 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 ईशान्या प्रति जी उन्होंने कह लो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट होर बनती रही है, और मैं लगता कि इन्हें ही चार महीनों का हो चले अंदोलन के लीडरशिप में एक कायम रखा पूरी तरह जो अज भी कायम है। चलो बहुत धन्यवाद डॉक्टर दर्शनपाल, तुसी साढ़े सारे सवालों के जवाब बड़े विवाकी नाल दिते है। ये सन डॉक्टर दर्शनपाल जिन्हों तो असी बड़े लए ने सवाल, पर इन्हां सवालों के नाल नाल संघर्ष किन्ना लंबा चलेगा, संघर्ष के विच किहड़ियां कमियां किहड़ियां खामियां ने, केंद्र सरकार गलबात क्यों नहीं करती पी, केंद्र सरकार की रणनीति की है, किसानों की रणनीति की है, सारे सवाल लैण की कोशिश करी। तो नाल नाल डॉक्टर दर्शनपाल तो असी वो क्लैरिफिकेशन भी लीतियां जिहड़ियां मीडिया के कुछ हिस्सों में उन्हां दे बयान भी छपे सीगे, पर इन्हां दे नाल नाल डॉक्टर दर्शनपाल ने कहा साडे संयुक्त किसान मोर्चे का स्टैंड है वो स्पष्ट है, तिन्ने खेती कानून रिपील कराने हैं, MSP वाला कानून बनाना है। ये सारे सवाल के जवाब है जो डॉक्टर दर्शनपाल ने दिए है। तुहानू इंटरव्यू किवें लग्या, व्यू पॉइंट किवें लग्या, ये तुहाडा व्यू पॉइंट उसी उसका इंतजार करते रहने। बहुत धन्यवाद।